हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, आज हम सब मिश्र धातु के बारे में समझेंगे और इसके ट्रिक के जरिए देखेंगे कौन कौन से मिश्र धातु हैं। और आपके सामने एक शायरी है बच्चों, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आएगा इस मेहनत का इनाम, आज नहीं तो कल आएगा इस मेहनत का इनाम, बस यूं ही रखना अपने जुनूनों को बरकरार, बस यूं ही रखना अपने जुनूनों को बरकरार। इसी के साथ हम सब चलते हैं, मिश्र धातु को समझेंगे। सबसे पहले मिश्र धातु होता क्या है बच्चों? तो मिश्र धातु वैसे तत्व जो किन्हीं अनुपातों में, यानी किसी भी अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप बनते हैं, उसे कहते हैं मिश्र धातु। अब देखिए, अब ट्रिक के जरिए हम सब देखेंगे कि कौन से मिश्र धातु, उसमें कौन कौन से मिश्रण होते हैं। देखिए, पहला है हम सबके साथ पीतल ले लेते हैं। देखिए बच्चों, पीतल ये हो गया, पीतल हम सब पीतल का बर्तन ले लिए। देखिएगा, समझिएगा कैसे ट्रिक हमें लगा। देखिए, पीतल का एक बर्तन ले लिए, पीतल का बर्तन लिए, उसमें कांजी जम गया। कांजी याद करेंगे कैसे, मैंने एक पीतल लिया उस पर कांजी जम गया, कांजी जम गया। याद करेंगे कि एक पीतल बर्तन लिए, कांजी जम गया, उस जम को दूर करने के लिए जर्मन सिल्वर लाए, जर्मन सिल्वर लाए। देखिए बच्चों, जर्मन सिल्वर आए तो कांजी नहीं जमा। देखिएगा, कांजी नहीं जमा, नहीं यानी नहीं ले लिए। देखिए, ये ट्रिक बता रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले पीतल, पीतल का एक बर्तन लिए, उस पर कांजी जम गया, कांजी जम गया, और उस जम को दूर करने के लिए हम सब जर्मन सिल्वर लाए तो कांजी नहीं जमा, तो एक ट्रिक हो गया। तो देखिए, पीतल का यहाँ पर एक पर लिख देंगे तो कापर हो गया, यानी पीतल का कापर, और यहाँ पर क लिख देंगे, यानी पीतल किसका मिश्रण है, कापर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। अब जर्मन सिल्वर देखिए, बस कुछ नहीं, यहाँ पर का है पर हो जाएगा, यहाँ पर जिंक हो जाएगा, और नीचे निकेल, बस इसका यही ट्रिक निकला कि जर्मन सिल्वर कापर जिंक निकेल से मिलकर बना होता है, और जो पीतल होता है कापर जिंक से मिलकर बना होता है। बच्चों, यही इसका हुआ। अब हम सब चलेंगे नेक्स्ट की ओर। बच्चों, कांसा को ले लेते हैं, कांसा। देखिए ट्रिक हम सब देखेंगे, कांसा एक धातु को, मतलब एक व्यक्ति ने कांसा धातु काटा, यानी धातु काटना कठिनाई होता है, तो कांसा को काटा। यानी पूछा गया, यहां पर ले लेते हैं कि आपने कांसा धातु जो लिए थे उसको कैसे काटे, कैसे काटे, तो बताया कि गन से काटा, गन। जवाब दिया कि गन से काटी जी, कैसे काटा, गन से काटी जी। पूछा गया, एक आदमी ने धातु लिया उसे काटा, कैसे काटी, कैसे काटी, कैसे काटी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि गन से काटी जी। तो देखिए, कांसा ये हो जाएगा का से कॉपर हो जाएगा, और टीन ये हो जाएगा टीन, यानी कॉपर और टीन का मिश्रण कांसा होता है। और देखिए, गन से काटी यानी कॉपर हो गया और ये टीन हो गया, अब प्लस में ये जिंक हो गया। बच्चों, ट्रिक अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। बच्चों देखिए, कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण, गन यानी कॉपर और टीन प्लस जिंक का मिश्रण। अब चलते हैं हम सब नेक्स्ट की ओर। बच्चों, हम सब देखेंगे टांका के बारे में, तो टांका के बारे में समझिए। तो एक बच्चा ने कहा, मैम मुझे जीके नहीं आता है। तो मैम ने कहा कि तो एक शर्त है कि आपको टांग काट कर एक देनी होगी। तो यहां से ट्रिक आता है टांग काट कर, तो बच्चा कहता है टांग काट ले लीजिए, टांग टांग काटी ले लीजिए, टांग काट के ले लीजिए, टांग काटी कर ले लीजिए, यानी यहां पर टी, देखिए टी और ले लीजिए, यानी ले। यहां पर देखिए बच्चों, तो टाका टी नाम आ गया, अब फिर से लेट, कांटा का मिश्र धातु है टीन और लेट। और इसमें पूछता है कि टांका,
टांका क्या है? यह एक फ्यूज तार है, इसका उपयोग तार फ्यूज में किया जाता है। फ्यूज को तार फ्यूज में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टांका किसका मिश्रण है? टीन और लेड का। इसका उपयोग तार को फ्यूज बनाने में उपयोग किया जाता है। अब हम सब देखेंगे बच्चों वीवीआई क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बच्चों मिश्र धातु से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बैल धातु का मिश्रण है, बैल धातु का मिश्रण है। तो बैल धातु का मिश्रण होता है कापर और टीन का मिश्रण होता है बैल धातु। यह क्वेश्चन एनडीए 2001 में पूछा गया बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट, पीतल मिश्रण धातु है, एसएससी 2013 बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीतल का बहुत बार पूछा गया है। तो पीतल मिश्रण है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, फ्यूज तार किसका बना होता है? एसएससी 2011 फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है लेड प्लस टीन, लेड और टीन का मिश्रण होता है फ्यूज तार। नेक्स्ट चलेंगे, चौथा क्वेश्चन है डच धातु का मिश्रण है एनडीए 2011, एनडीए 2011 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो डच धातु का मिश्रण होता है कापर कापर और जिंक होता है बच्चों। नेक्स्ट है रॉड गोल्ड का मिश्रण है एनटीपीसी 2016, रॉड गोल्ड का मिश्रण है। तो रॉड गोल्ड कापर और एल्युमिनियम, कापर प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण होता है बच्चों, कापर और एल्युमिनियम का रॉल्ड गोल्ड होता है मिश्रण। नेक्स्ट है मुंटज धातु का मिश्रण है आरआरबी 2018, मुंटज ये होता है कापर और जिंक का मिश्रण होता है बच्चों, कापर और जिंक का मिश्रण मुंटज धातु होता है। नेक्स्ट है टांका मिश्रण धातु है आरआरबी 2019, टांका मिश्रण धातु, इसका उपयोग ही फ्यूज तार के रूप में किया जाता है। यह मिश्रण होता है लेड प्लस टीन, लेड और टीन का मिश्रण होता है बच्चों। अब हम सब देखिए क्वेश्चन, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए बच्चों, और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके।